हे गाइस, वेलकम टू अहीर लॉग। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लटर प्रोजेक्ट के फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर को। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी तक के सीरीज के अंदर हमने इस मेन डॉट डाट फाइल को यूज़ किया है, जो कि हमको देखने को मिलता है लीव फोल्डर के अंदर। और इसके अलावा हमने यहाँ पे पबस्पिक्स डॉट वाई एम एल फाइल को यूज़ किया था, लेकिन हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट के पार्ट है। अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट है फ्लटर एप्लीकेशन 2, इसके अंदर ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल है। तो अगर आप अपने सिस्टम में भी एक फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उनमें भी आपको सेम फाइल्स देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे इन फोल्डर्स और फाइल्स का क्या पर्पस है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो पहला जो फोल्डर है वो है डॉट डॉट अंडरस्कोर टूल। इसके अंदर हमको बहुत सारे सब फोल्डर और फाइल्स देखने को मिलते हैं, जैसे हो गया क्रोम डिवाइस, फ्लटर बिल्ड, पैकेज कॉन्फिग, सबसेट। अब ये जो फोल्डर है ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था डार्ट 2.0 के आने के बाद, क्योंकि इसके पहले इसके जगह पे हमको डॉट पब फोल्डर देखने को मिलता था। अब इस वाले फोल्डर को हम यहाँ पर टच नहीं करते हैं, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है पब और अदर टूल्स के द्वारा। अब नेक्स्ट जो हमारा फोल्डर है वो है आइडिया। अब ये जो डॉट आइडिया फोल्डर हमको देखने को मिल रहा है, ये मेनली एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए बनता है। तो जैसे ही हम फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। तो अगर हम वीएस कोड को यूज़ करें तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करते हैं, तो उस टाइम पर एंड्रॉयड स्टूडियो के जो कन्फिग्रेशन होते हैं वो सभी इसके अंदर स्टोर रहते हैं। अब जो नेक्स्ट हमको दो फोल्डर्स देखने को मिलते हैं वो है एंड्रॉयड और iOS। अब ये दोनों फोल्डर्स मेनली प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फोल्डर है। एंड्रॉयड है जब हम एंड्रॉयड ऐप को डेवलप करते हैं तो उस टाइम पे एंड्रॉयड फोल्डर का यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर जितना भी नेटिव कोड होता है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सभी इसके अंदर स्टोर किया जाता है, और ये मैनेज किए जाते हैं आईडी या तो कंपाइलर के द्वारा। सिमिलरली जो iOS फोल्डर होता है इसके अंदर का भी जितना भी नेटिव कोड होता है वो भी आईडी और कंपाइलर ही मैनेज करते हैं। अब नेक्स्ट जो फोल्डर है वो है बिल्ड फोल्डर। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम पे नहीं होता, जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं या तो रन करते हैं तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अब कंपाइलेशन के बाद जितना भी कोड बिल्ड होता है हमारे एप्लीकेशन का वो सभी इस फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाता है। अब इसके बाद जो हमको नेक्स्ट फोल्डर देखने को मिल रहा है वो है फॉन्ट्स। तो ये फोल्डर बाई डिफ़ॉल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, अब क्योंकि हमने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में फॉन्ट ऐड किया था कस्टम फॉन्ट्स को, तो इसीलिए मैंने फॉन्ट्स को सेपरेटली इस फोल्डर के अंदर स्टोर किया है। और सिमिलरली आपको नेक्स्ट जो फोल्डर देखने को मिल रहा है वो है इमेजेस फोल्डर। इसके अंदर आपको एक इमेज दिख रहा होगा जो कि हमने बाहर से ऐड किया है, तो ये इमेज फोल्डर आपके प्रोजेक्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट किया है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया हुआ एक इमेज इसके अंदर हमने रखा है। अब इसके बाद का जो फोल्डर है वो है लीव फोल्डर। ये हमारे प्रोजेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फोल्डर है और इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल को रखा जाता है, जो कि मेन डॉट डाट फाइल। यही हमारे प्रोजेक्ट का मेन फाइल होता है, यानी कि इसी फाइल के थ्रू हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। अब नियरली 80% ऑफ द टाइम हम इसी फाइल के ऊपर अपना कोडिंग टाइम बिताते हैं। अब इसके अलावा और भी जो हम डाट फाइल्स बनाते हैं वो सभी हम इस वाले लीव फोल्डर के अंदर रखते हैं। अब इसके बाद का जो फोल्डर है वो है टेस्ट फोल्डर। अब टेस्ट फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल दिख रहा होगा विजिट अंडरस्कोर टेस्ट डॉट डार्ट। अब इस वाले फोल्डर के अंदर हमारे प्रोजेक्ट का जितना भी टेस्टेड कोड होता है वो सभी इस फोल्डर के अंदर स्टोर किया जाता है, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट जब बन के कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कंपाइलर और आईडी के द्वारा वो टेस्ट किया जाता है, या तो हम भी उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो वो सभी टेस्टेड कोड इसी फोल्डर के अंदर होता है। अब नेक्स्ट जो फोल्डर आपको देखने को मिल रहा होगा वो है वेब फोल्डर। अगर आपके सिस्टम में फ्लटर का वेब वर्जन एक्टिवेटेड नहीं है तो उस टाइम पे आपके प्रोजेक्ट के अंदर वेब फोल्डर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप वेब वर्जन को एक्टिवेट कर लेते हैं तो उस टाइम पे आपको ये फोल्डर भी दिखेगा। यहाँ पे वेब से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फाइल्स होते हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि वेब पर जो हमारा फाइल रन होगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट फाइल, वो है index.html। तो ये सारे फोल्डर्स हमको अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और कुछ फाइल्स हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हम कह सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के। जैसे कि जो पहला फाइल है वो है डॉट गिट इग्नोर। तो ये फाइल मेनली गिट से रिलेटेड जितने भी इग्नोर्ड फाइल है जो कि मैनेज किए जाते हैं हमारे आईडी के द्वारा, तो वो सभी कुछ इसी फाइल के अंदर स्टोर किए जाते हैं।
अब नेक्स्ट फाइल है मेटा डेटा। अब ये जो डॉट मेटा डेटा फाइल है, इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सभी हम इसके अंदर ही स्टोर करते हैं। इसके अलावा जितने भी अदर फाइल्स हो गए हमारे प्रोजेक्ट के, वो सभी का डिटेल्स यहाँ पे स्टोर रहता है। और नेक्स्ट फाइल है डॉट पैकेजेस। अब पैकेजेस फाइल के अंदर जितने भी यूज्ड पैकेजेस होते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो रहे हैं, उन पैकेजेस का पाथ यहाँ पे स्टोर रहता है विद पैकेज नेम। और इस वाले फाइल के अंदर जितना कंटेंट स्टोर होता है वो ऑटो जनरेट होता है फ्लटर एसडीके के द्वारा, और इसको मैनेज भी फ्लटर एसडीके ही करता है। अब इसके बाद जो फाइल हमको देखने को मिलता है वो है फ्लटर अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर 2.iml। तो ये फाइल का नेम और हमारे प्रोजेक्ट नेम सेम आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट नेम होता है वही ये फाइल का नेम होता है। अब इस फाइल के अंदर हमको कुछ डिपेंडेंसीज देखने को मिलते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि मैनेज होते हैं एसडीके के द्वारा। अब इसके बाद का जो फाइल है वो है pubspecs.log। अब इस वाले फाइल को हम एज ए हेल्पर फाइल कह सकते हैं pubspecs.yml फाइल का। और ये जो pubspecs.yml फाइल है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हमारे प्रोजेक्ट का। अब यहाँ पे आपको जितने भी फाइल्स दिख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ हम इस वाले pubspecs.yml फाइल को ही एडिट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम मेनली अपने मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन को सेट करते हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और जो लास्ट फाइल है वो है readme.md। इस फाइल के अंदर जितना भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सभी इसके अंदर स्टोर रहते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं उनके बारे में हमने सीखा, जो कि हमको प्रोजेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।